हेलो आई वेलकम बैक, दिस इज राज कमल। हेलो, आज शॉर्ट सीरीज के अंदर आज मैं फिर मशीन के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ और उम्मीद करेंगे कि सर यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन से बहुत सारे आपको सॉल्यूशंस यानी क्वेश्चन भी बने और उसके सॉल्यूशन भी यहीं हाथों हाथ मिल जाए। तो सर शॉर्ट सीरीज आज हमारा 14th है और इसके अंदर मैं आज क्वेश्चन जो लेने वाला हूँ इंडक्शन मोटर का, ये आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, देखिए कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि एक विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें जो दिए गए उनमें विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इजिली एप्लीकेबल टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द स्क्वायरल केज। कैसा रोटर सर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर में। सो कौन सा एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पे सर नो डाउट आप इसकी जानकारी रखते होंगे और नहीं रखते हैं तो इसकी जवाब भी मैं बताता हूँ। सर जो स्क्वायरल केज या पोल मेथड या सबसे ज्यादा सुटेबल होता है हमारा किसमें सर, बाय चेंजिंग नंबर पोल चेंजिंग मेथड से हम किसमें यूज करते हैं, स्क्वायरल केज में। इसका एक रीजन होता है कि स्क्वायरल केज में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने का आपको मेथड होता ही नहीं, सो पोल के द्वारा ही इसको कंट्रोल करना सबसे बेहतर होता है और वो हमारा तरीका है स्क्वायरल केज के अंदर पोल चेंजिंग। अब कोई कहेगा कि सर स्क्वायरल केज की अगर बात करोगे सो पहला यहाँ पे आंसर है सर क्या, कि स्क्वायरल केज को जो है कंट्रोल इजिली किया जाता है बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल। स्टेटर के पोल से चेंज करके इसके इसके स्पीड को कंट्रोल करना आसान होता है। रियोस्टेट कंट्रोल जो होता है सर किसमें यूज किए जाते हैं आपके स्लिप रिंग वाले में, और ये मेथड इसमें सुटेबल है नहीं। ईएमएफ इंजेक्टिंग भी स्लिप रिंग के वाले में मेथड में एप्लीकेबल है। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजों को समझता हूँ सर। ये है हमारा स्लिप रिंग रोटर और ये है स्क्वायरल केज। स्क्वायरल केज में कोई रोटर पे एक्सटर्नल मेथड नहीं है जिससे स्पीड को कंट्रोल किया जाए ना। स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम स्टेटर के पोल को ही चेंज करते हैं। स्टेटर में जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं यहाँ के पोल को चेंज करने से यहाँ का पोल ऑटोमेटिक चेंज होता है। आप कहोगे कि सर अगर स्टेटर में पोल को चेंज करोगे तो रोटर में भी पोल चेंज होगा, तो ऐसे तो रोटर फिक्स होगा, लेकिन ध्यान रखना ये स्क्वायरल केज के अंदर जो है इसमें कैसा पोल होता है सर, इंड्यूस्ड पोल होते हैं। सबसे बड़ी बात है बच्चे को यही नहीं पता होता सर इसमें कितने पोल है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर इसमें इंड्यूस्ड पोल होते हैं, और वो इंड्यूस्ड पोल चाहे 8 हो, 2 हो या 4 हो, ये डिपेंड करता है स्टेटर पे पोल की संख्या, स्टेटर पे कितने पोल है। अगर मैंने कहा स्टेटर पे पोल की संख्या अगर आपने 8 रखा है तो यहाँ भी इंड्यूस्ड कितने हो जाएंगे पोलों की संख्या, हमेशा 8। लेकिन रोटर पे जो इंड्यूस्ड पोल होते हैं वो हमेशा कैसा होगा सर, इंड्यूस्ड पोल। कैसा होगा, इंड्यूस्ड पोल, यानी स्टेटर के पोल चेंज करने से रोटर का पोल चेंज हो जाएगा। लेकिन जब स्लिप रिंग की बात करूं सर, जब स्लिप रिंग में स्टेटर की बात करूंगा, जब स्लिप रिंग में स्टेटर की बात करूंगा तो सर यहां पर अगर पोल 8 है तो स्टेटर का पोल नहीं चेंज होता। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पोल अगर स्टेटर पे आपने बनाया तो यहां पे डिजाइन करना पड़ेगा 8। सो इसके चेंज करने से इसमें चेंजेस नहीं आएगा। चेंज तो या तो मशीन डिजाइन करो, अगर यहाँ आपने 16 रखे तो यहाँ भी 16 रखना पड़ेगा, यहाँ 2 रखे तो यहाँ भी 2 डिजाइन करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक चेंज नहीं होता। यहाँ पोल आपको फंक्शनली बनाना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है, यहाँ इंड्यूस्ड होता है रोटर पे। ओके, इसीलिए पोल चेंजिंग मेथड, पोल कैसे चेंज करते हैं सर, फॉर्मूला होता है क्या है देखिए सर, 120 F/P। किसका फॉर्मूला है सर, सिंक्रोनस स्पीड का। तो अब देखो यहां पे आप पोल को के साथ अगर चेंजेस करोगे, पोल में अगर चेंजेस करोगे तो आपका NS चेंज होगा, तो क्या रोटर यहां पे कंट्रोल होता है क्या, यहां पे रोटर कंट्रोल नहीं होगा, यहां पे डायरेक्टली रोटर कंट्रोल नहीं होगा। तो पोल को चेंज करने से हमारा क्या होता है, रोटर जो है कंट्रोल होता है। और ये किस फॉर्मूला से होता है सर, तो ये फॉर्मूला रोटर का NR वाला फॉर्मूला से चेंज होता है, 1 minus s into NR = 1 minus s into NS। और ये स्लिप वाले मेथड में हमारा पोल का मेथड आता है, जो स्लिप वाला मेथड है उसमें हमारा पोल का मेथड है। यहां पे देखिएगा, यहां पे मैं बोलूं वेट अ सेकेंड, यहां पे मैं बोलूं NR बराबर देखिए 1 minus s into NS का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, 120 F/P। तो पोलों की संख्या बढ़ा के हम क्या करते हैं, रोटर की स्पीड को कम कर सकते हैं। पोलों की संख्या बढ़ा के सर रोटर की स्पीड को कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखते हो स्पीड कंट्रोल मेथड हमारा यूज होता है। ओके, और पोलों की संख्या को घटाकर हम मोटर के स्पीड को बढ़ा सकते हैं, मोटर के स्पीड को बढ़ा सकते हैं। क्लियर, तो यहां से चीजें फैक्ट्स होगी। जबकि स्लिप जो है किन किन चीजों पर निर्भर करता है सर, स्लिप आपका वोल्टेज पर, स्लिप आपका और भी चीजों पे निर्भर करता है, किस पे, जो आपका स्लिप क्या कर रहा है उस पे निर्भर करता है ना। ईएमएफ इंजेक्टिंग मेथड पर भी स्लिप डिपेंड करता है।
तो यहां पे डायरेक्टली रोटर की स्पीड जो है आपको पोल से दिखाई दे रहा है, क्योंकि पोल चेंज करने से रोटर का स्पीड चेंज होता है ना कई बार यहां पे। अब देखिए इस मेथड से जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, मान लो आप यहां पे, अगर मैं स्क्वायरल केज की बात करूं सर, किसकी बात करूं, स्क्वायरल सॉरी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की, तो यही हमारा क्या है सर, स्लिप रिंग, ये हमारा क्या है सर, स्लिप रिंग। ओके, अब स्लिप रिंग के अंदर मैं बात करूं तो यहीं से कनेक्शंस आप रेजिस्टेंस का करते हो, तो एडिशनल रेजिस्टेंस लाके इसके स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। ये इसमें फीचर होता है, इसके अंदर ये फीचर नहीं होता। नो अनदर थॉट्स मैं यहां पे और भी देखना चाहूंगा इसके अंदर सर। क्वेश्चन आपसे यहां में पूछे जाते हैं किसके अंदर हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, तो स्टार्टिंग टॉर्क आप इसमें, क्योंकि एडिशनल रेजिस्टेंस लगाने की व्यवस्था होती है अरेंजमेंट, सो हाई स्टार्टिंग टॉर्क इसके अंदर होता है, इसमें स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, लो होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि रनिंग परफॉर्मेंस किसका बेहतर होता है सर, इसका रनिंग परफॉर्मेंस बेहतर होता है, इसका रनिंग परफॉर्मेंस पुअर होता है उसके तुलना में। ओके, तो ये भी चीज है। आप ईएमएफ इंजेक्टिंग मेथड किसमें एप्लीकेबल होता है सर, इसमें, क्योंकि इसी में रोटर के थ्रू आप इनपुट क्या कर सकते हो, ईएमएफ इंजेक्ट कर सकते हो, इसी स्लिप रिंग के थ्रू इसमें क्या करते हो, रोटर में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ दे सकते हो। लेकिन उसमें दो तरीके होते हैं, इन फेज और आउट फेज दो तरीके होते हैं जिसमें आप ईएमएफ इंजेक्ट कर सकते हो, किस पे सर, रोटर पे, तो ये एक तरीका है। नो सर, आपसे कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है सर, आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम कई बार ये भी पूछ लेता है कि बताइए सर ये स्लिप रिंग, ये जो स्लिप रिंग है ये किस चीज का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार थ्योरिटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैं आज चर्चा कर लूं सर। यहां जो इसका स्लिप रिंग बना होता है वो फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है सर, फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है सर, ये ध्यान रहे सर, फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है। इन चीजों का भी आपको दिमाग में रखना है। नाउ अनदर क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं सर, इसको क्रियो क्यों किया जाता है, देखो ये एंगल टेढ़ा है ना और ये सीधा नहीं है, है ना, सबसे बड़ी बात इसको स्क्रू किया, इसी को स्क्रू बोला जाता है ना, ये थीटा एंगल से स्क्रू किया जाता है, और थीटा एंगल से स्क्रू करने के क्या है रीजन सर, पहला इसमें कॉगिंग रिड्यूस होता है, ध्यान से समझिए सर, इसको टेढ़ा करने के कई रीजन होते हैं, कॉगिंग रिड्यूस होता है, कॉगिंग रिड्यूस होता है, कॉगिंग क्या होता है, दो पोल्स आपस में जो लॉक कर लेते हैं उसकी टेंडेंसी को अपने को रिड्यूस करना, नहीं तो ये मोटर में सप्लाई दोगे घूमेगा ही नहीं। सबसे पहला कॉगिंग रिड्यूस होता है, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस स्टार्टिंग जो है टॉर्क थोड़ा इंप्रूव करता है, क्यों, क्योंकि सीधा होता है तो इतना ही लेंथ का होता है, टेढ़ा हुआ तो थोड़ा लेंथ बढ़ा, हालांकि थोड़ा का फर्क पड़ता है, थोड़ा लेंथ बढ़ा, इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क भी थोड़ा इंप्रूव कर जाता है थोड़ा टेढ़ा होने से। नाउ हार्मोनिक्स को रिड्यूस करते हैं, दूसरा स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव कर लेते हैं, नाउ लॉकिंग टेंडेंसी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो ये काफी फीचर होते हैं इसको। नाउ इस टाइप के रोटर में एंड रिंग लगे होते हैं, क्या होते हैं सर, एंड रिंग, कौन सा सर, स्क्वायरल केज रोटर में आपको क्या लगा रहेगा सर, एंड रिंग लगा रहता है, जो कि सॉर्टेड होते हैं, सारे कंडक्टर को क्या करते हैं सर, सॉर्टेड करते हैं, जबकि यहां पे हैवी वाइंडिंग की जाती है इस मशीन में सर, हैवी वाइंडिंग की जाती है। तो ओवरऑल आई होप कि चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि इस टाइप के मशीन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इजीली कंट्रोलेबल, आसानी से कंट्रोल किया क्या जाए, किसमें किया जा सकता है सर, पोल चेंजिंग मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर किसमें सर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में पोल चेंजिंग मेथड होगा। लेकिन क्या आपसे कोई कहेगा सर, क्या ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ये मेथड एप्लीकेबल होगा पोल चेंजिंग, जी कभी नहीं हो सकता। रीजन क्या है, रीजन क्या है सर, यहां पे आइए, रीजन ये है कि इसमें स्टेटर की पोल तो आप सप्लाई से चेंज कर दोगे कनेक्ट करके, लेकिन रोटर का पोल क्या चेंज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, दैट्स व्हाई दिस इज द सुटेबल मेथड फॉर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर पोल चेंजिंग मेथड। आई होप क्वेश्चंस क्लियर होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं लाता हूंगा सर, ताकि एक क्वेश्चन से कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और ये सीरीज लगातार चलेंगे, अभी आपके मशीन के चल रहे सर, मशीन के चल रहे, और मशीन के क्वेश्चंस यहां एक से लेकर 50 तक लगातार चलेगा, फिर 50 से हम क्वेश्चंस के सीरीज को चेंज कर देंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।